राजस्थान के राजसमंद स्थित देवगढ़ क्षेत्र में अपराधियों में पुलिस का कितना डर है, इस बात का अंदाजा इस घटना से लगाया जा सकता है कि कल देर रात सोहनगढ़ गांव में दो लोग जेसीबी लेकर आए और मकान में तोड़फोड़ शुरू कर दी। विरोध करने पर मकान में मौजूद दंपति से मारपीट भी की, यहां तक कि गर्भवती महिला से धक्का मुक्की करके उसे गिरा दिया गया। इसके बाद गाली गलौज करते हुए कालू सिंह और जसवंत सिंह ने जेसीबी से मकान के बाहर बने दो कमरे, रसोई और कार को तोड़ डाला। परिवार के शोर मचाने पर पड़ोसी मौके पर आए, तब तक आरोपी जेसीबी लेकर फरार हो गए। आज सुबह पीड़ित दंपति देवगढ़ थाने पर पहुंचे और दो आरोपियों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई। वहीं सुबह गर्भवती महिला की हालत बिगड़ने पर उसे देवगढ़ चिकित्सालय भिजवाया गया। देवगढ़ पुलिस ने प्रार्थी की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। और मेरे घर पे रात में ब्यावर से आ रहा था, तब मैंने रास्ते मेरे फोन आया सिस्टर का, वो घर पे तोड़फोड़ हो रही है और गाली गलौज हो रहा है। तो फिर जैसे भी से सारे घर वाले तोड़ फोड़ कर दी और गाड़ी को तोड़ दी और लेडीज लोगों पर हम लगे जैसे भी से। तो फिर वो भाग गए, तो फिर पिस्तौल लेके दरवाजा से बहुत बार किया था और अभी तक कोई मेडिकल डिकल नहीं हुआ है।